नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहद्दीपुर स्थित गोपाल मंदिर का दर्शन किया और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत किया। गोपाल मंदिर के दर्शन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मोहद्दीपुर स्थित सिख समुदाय के लोगों के घर जाकर डोर टू डोर संपर्क किया, जहाँ सिख समुदाय के लोगों ने सीएम योगी को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ सिख समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय भी है। खबर बिजनौर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री वर्धमान कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके चलते मैदान में बिजनौर के एसपी और डीएम ने के जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 7 फरवरी को प्रस्तावित है और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के एवं डीआईजी साहब सभी आ रहे हैं। आज एएसएल है, सुरक्षा से संबंधित पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। हेलीपैड, मंच, सभा स्थल एवं अन्य सराउंडिंग में जो जो बंदोबस्त है उसके लिए ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और बाहर से लगभग 4 आईपीएस अधिकारी भी आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है, ऐसे में प्रत्याशियों की ओर से नामांकन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। नामांकन के पांचवें दिन अयोध्या के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मिल्कीपुर के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने नामांकन दाखिल कर जीत दर्ज का दावा किया है। नामांकन करने के बाद वापस आए अवधेश प्रसाद ने कहा कि 2022 से इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल की भाजपा सरकार से बिगड़ी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडा राज के कारण लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों व किसानों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराने के वादों पर भी बल दिया। हमने आईटीआई सिंधौरा में, जो हरिंटीनगंज में है, बढ़िया शानदार राज्य सरकार से भी अप्रूवल कराया था और भारत सरकार से अप्रूवल कराया। वहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ, उसको नौकरी के लिए इंतजार न करना पड़ा, लेकिन उसको बेच दिया गया, निजी हाथों में बेचने का हिसाब किताब बना लिया गया। ये अफसोस की बात है कि 143 बच्चों का दाखिला हुआ, लेकिन दाखिला हरिंटीनगंज मिल्कीपुर के छात्रों का नहीं हुआ है। ये दाखिला यहाँ अयोध्या में साकेत डेयरी के पास जो आईटीआई है वहाँ से दिखाया गया है। क्या इसके लिए किया है हमने? बहुत अन्याय हुआ। आज किसान सबसे परेशान है, जब से योगी बाबा आए किसान की रात, खेत में भी खेत मिला तो क्या करें। 2022 के चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां अलग अलग काम करती नजर आ रही हैं। तो आज अलीगढ़ में विधानसभा इजलास में प्रियंका गांधी की ओर से कांग्रेस की प्रीति धनकर के समर्थन में रोड शो किया गया। कस्बे में प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर काफी सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसमें महिलाओं की ओर से प्रियंका गांधी के काफिले पर फूल बरसाए गए। वहीं दूसरी ओर कस्बे में अपार समर्थन को देख प्रियंका गांधी गदगद नजर आई। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अलीगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं, बीजेपी सरकार में आई तो हो सकता है कि ये लोग संविधान भी बदल दे। अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अभी आगरा में है, इससे पहले बुलंदशहर, मेरठ में कार्यक्रम किए, हापुड़ में कार्यक्रम किए। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा सफाया करेगा। वो जो पुराना काम था जनता को याद आ रहा है। आज जो एम्बुलेंस सड़क पर चल रही है, जो कोरोना के समय पे मदद आई थी, वो वही समाजवादियों की चलाई हुई थी। जो पुलिस को 100 नंबर, जो 112 हो गई, बताइए क्या बाबा मुखेंद्री ने टायर बदल दिए उसके? क्या आज सवाल ये है कि जो हरद्वागंज में प्लांट लग करके तैयार हो गया है, अगर हम इसी की बिजली दे देंगे, अगर हरद्वागंज में 660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लग गया है, तो बताओ न जाने कितने गाँव, न जाने कितने घरों में और न जाने कितने किसानों को फ्री सिंचाई दे देंगे। तो सोचो, ये बाबा मुख्यमंत्री ने बिजली कारखाना नहीं चलाया। अभी बता रहा था कोई साथी के परसों आ रहे हैं,
आप परसों पूछना उनसे, कल आ रहे हैं तो उनसे पूछना ये बिल्लिया कारखाना चला क्यों नहीं रहे तुम। जनता का आक्रोश है, गठबंधन को 400 सीटें मिलने जा रही हैं और इसलिए बता रहा हूं मैं। खबर औरैया से है जहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को सपा प्रत्याशी जितेंद्र के चुनाव कार्यालय पर सपाइयों ने केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया। इस दौरान विश्वनाथ सिंह ने सेंगर ने कहा कि शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से सपा की ताकत बढ़ी है और इस चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करते हुए यूपी की सत्ता हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव गरीबों मजलूमों की आवाज उठाने वाले नेता हैं, इसलिए लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं। शिवपाल सिंह का जन्मदिन मनाया गया, कैमा जन्मदिन है ये सरस्वतमा जन्मदिन, आप लोग किस हिसाब से मनाया, क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन के बारे में, बधाई देना चाहेंगे? शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश के गरीबों मजदूरों बेसहारा लोगों की जुबान है और ऐसा हमारा जनपी नेता, हम आज सौभाग्यशाली है अपने इस नेता का जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। और जो जो है प्रोटोकॉल की बात की जाए, किसके आप लोगों ने प्रोटोकॉल किया, किसके जन्मदिन मनाया आपने? हम यहाँ पर हमने 100 लोग, करीब 100 लोगों के साथ और जो कोविड की मान्यताएँ हैं उसका पालन करते हुए जन्मदिन मनाया है, सारी मान्यताओं को ध्यान में रखा है और जो भी ये तो हमारी पार्टी और हमारे लोग जो सरकारी नियम है। खबर रामपुर से है जहां चुनाव लड़ रहे संदेश यादव का टिकट काटकर बसपा से पुष्पा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ पुष्पा देवी का स्वागत किया गया है और कहा कि युवाओं और महिलाओं का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता का विकास किया जाएगा और जनता ने हमको कहा था कि कोई ना कोई दल दे करके आइए, हमको 2 बार 45 हजार होती है, जनता के कहने के अनुसार ही हम हर जात का सेवा करते हैं, कहीं जात पात का कोई धर्म का कोई हमारे किन मुद्दों पर लड़ाई है आपकी लड़ाई? विकास का, बेरोजगारी दूर किया जाएगा इस विधानसभा का। क्या युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती सहारनपुर पहुंची। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि बसपा अकेले ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, कहा कि भाजपा के तानाशाही जातिवाद सरकार से मुक्ति दिलाना है, बसपा सर्व समाज के साथ लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में दंगे हुए तो जाटों के साथ मुस्लिमों को नुकसान हुआ, सपा सरकार में भाईचारे को नुकसान हुआ। खबर फतेहपुर से है जहां अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान और साथ ही पुलिस ने 1540 लीटर शराब बरामद किए हैं, 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि पूरा मामला बिदकी कोतवाली के कंचनपुर छोटे लालपुर का है। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अवैध शराब बनाने तथा बेचने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्राम कंचनपुर तथा छोटे लालपुर में दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान करीब 1540 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई तथा करीब 40 क्विंटल लहन बरामद किया गया। लहन को मौके पर ही नष्ट कराया गया। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फर्जी ढंग से लूट और हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया। दरअसल जमीनी विवाद और उस मामले में हुई शिकायत पर विपक्षी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और कार्रवाई के तहत विपक्षी लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा करते हुए फर्जी ढंग से अपने ही लूट और गोली मारने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ घटना में इस्तेमाल किए गए कारतूस को भी बरामद किया है। करनपुर चौकी थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर में एक गोली मार करके 3,75,000 लूट करने की घटना बाबूलाल बिंद जो है द्वारा लिखाई गई थी।
जिसके परिदृश्य में पुलिस अपनी टीम के साथ स्वाट टीम, कोतवाली की टीम देहात की, साथ ही साथ सभी चौकी इंचार्ज इवन ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स भी मौके पर गए थे। मजरूप तो उससे गहन पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसके पड़ोसी श्यामलाल बिन से, जो कि यहीं पर चील थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, उनसे इनका जमीन संबंधी झगड़ा 6 बिस्वा का चल रहा है, और 6 बिस्वा का झगड़ा कई माननीय उच्च न्यायालय में वगैरह में ही हार गया था, जिससे आहत होकर के वो जेल भिजवाने के लिए उनके इस तरह का ये घटना उसने गढ़ा था, और उसके प्रदेश में इसको जो है विधिक कार्रवाई करते हुए इसके कबूलनामा के आधार पर तथा झूठी सूचना देने के आधार पर जो भी विधिसम्मत होता है पीसी के तहत अभियोग दर्ज करके विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। खबर कन्नौज से है, जहां पर काली नदी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नदी में कई गौवंशों के शव मिले हैं। गंगा और काली के संगम से पहले गांव में शव मिले हैं। ये तस्वीर कन्नौज के गुमटिया गांव की है। लोगों ने बताया कि काली नदी में ग्राम गुमटिया के किनारे जो है कुछ गौवंश जो है मृतक पाए गए हैं, और जब हम लोगों ने जांच किया तो हमारे गुमटिया, मेहदीपुर, चौरा चाँदपुर या हमारी सीमा में जितने भी गौवंश हैं कन्नौज की सीमा में, ऐसे सब हमारी संख्याएं पूरी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये गौवंश कहीं दूर से बह कर के आए हों, और हमारे यहाँ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। खबर संबल से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी हाजिब मरगूब आलम ने गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया और जनता से वोट देने की अपील की, और प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा देने के साथ इंटर पास लड़कियों, स्कूटी और स्मार्टफोन, लैपटॉप देने की बात कही है। तो फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव के समीप कोहरे के कारण ई रिक्शा अनियंत्रित होकर आगे खराब खड़े ट्रक में टकरा गई, जिसमें ई रिक्शा चालक सहित कोचिंग जा रही छात्राएं घायल हो गई। सभी छात्राएं छिवली गांव की निवासी हैं। वहीं घटना के को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक फोन पर बात कर रहा था और तभी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों गाड़ियों को थाने ले गए। कितने बजे की ये घटना है? अभी आधे घंटे की बात है। इतना तो इतना साफ है, पूरा दिखाई दे रहा, फिर भी उनको इतना बड़ा गाड़ी नहीं दिखाई देता। फोन पे बिजी थे, फोन से बात कर रहे थे। तो टक्कर आपने मारी कि पीछे से वो घुसा है? ऑटो वाले ने मारी बड़ी गाड़ी। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।